साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर एक कंप्लेन दर्ज की है। दूसरे दिन मैं अपने बैंक गया, वहाँ अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाया, दूसरा एटीएम कार्ड लिया, फिर अपने साइबर सेल में गया जिले के, वहाँ पर एक कंप्लेन दी है, की है। फोन पे पर कंप्लेन किया है, पेटीएम पर, ओएलएक्स पर, हर जगह मैंने कंप्लेन की है। और मैं चाहता हूँ कि जिस जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए सावधानी रखिए और लालच में ना फंसिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। इंडियन आर्मी के नाम पे हो रहे फ्रॉड अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उन्होंने नई ट्रिक्स अपना रख ली है, वो है क्यूआर कोड के जरिए वो अब आपसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो एक मामला हमारे सामने आया है अभय जी का, जिन्होंने ओएलएक्स पे अपना एक सामान बेचने के लिए, टीवी बेचने के लिए ऐड डाली थी। तो उसके बाद ये हुआ, एक बंदे का उनको फ़ोन आता है, तो वो कहता है मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ। तो वो उनको कहता है कि मैं अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, तो उसके जरिए आपकी पेमेंट आपको वो कर दूँगा। तो आइए जानते हैं क्या मामला है उनका, उनसे अब जुड़ते हैं हम। और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आप इस बारे में जान पाएँ और समझ पाएँ कि अब ये फ्रॉड की क्या ट्रिक अपना ली है उन्होंने इंडियन आर्मी के नाम पर। तो अब जुड़ते हैं अभय जी के साथ। नमस्कार अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। नमस्कार। तो बताइए क्या मामला है आपका, कितने पैसे आपसे फ्रॉड में ले लिए गए हैं और कैसे ये सब हुआ, एक बार आप हमारी जनता को भी बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ओएलएक्स पर एक विज्ञापन डाला था टीवी बेचने के लिए, और 6,000 रुपए में वो विज्ञापन था कि 6,000 रुपए में मैं टीवी बेचूंगा। तो 20 दिसंबर 2020 को दोपहर को एक आदमी का कॉल आता है, कहता है कि मैं इंडियन आर्मी में हवलदार हूँ और मैं आपका टीवी खरीदना चाहता हूँ, मैं यहीं इसी जिले में देवरिया कैंटीन में ही आर्मी कैंटीन में तैनात हूँ, और 5,500 रुपए में मैं पे करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप 500। उसने कुछ प्रूफ भी दिए थे क्या, वो हवलदार है कुछ, आधार कार्ड, जैसे कि आर्मी फ्रॉड चल रहा है वो अपने आधार कार्ड शेयर करते हैं, तो आपको भी क्या आधार कार्ड शेयर किया गया था? जी, उसने अपना आधार कार्ड मुझे दिया था, वो एक सरदार की फोटो लगी हुई थी उसमें, और फिर उसने कहा कि मैं फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फोन पे डाउनलोड किया और फिर उसे अपना बैंक अकाउंट लिंक करके उसको कहा, तो उसने कहा कि मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, ये चेक है आर्मी का और इसे रिसीव कीजिए। तो मैंने जैसे स्कैन करके स्कैन किया उसको और सेंड बटन को, पे बटन को दबाया, मेरे 1,400 रुपए कट गए। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मेरे ही तरफ से कट गए, और आप तो कह रहे थे कि हम आप पैसे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गलती हो गया है, अब मैं रिफंड कर रहा हूँ। तो उसने आर्मी चेक रिफंड लिख कर एक क्यूआर कोड भेजा और कहा कि इसको भी स्कैन कीजिए, उसमें भी सेंड का ऑप्शन आया होगा, ऑब्वियसली बात है। हाँ हाँ, तो उससे भी 2,000 रुपए मेरे कट गए। तो आपने उस समय आप समझ नहीं पाए कि बार बार ये उसको ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर ये आपको गलत नहीं लगा थोड़ा? डाउट लग रहा था, लेकिन फिर जब मैं सोचा कि ये इंडियन आर्मी के नाम पे ये कर रहा है तो ये जरूर सच बोल रहा होगा, वो कह रहा था कि ये सारे पैसे आपके वापस आ जाएंगे। अच्छा, आपका वो एक तरीके से ट्रस्ट बन गया था, क्योंकि इंडियन आर्मी है तो धोखा तो बिल्कुल भी नहीं करेगी आपके साथ। हाँ जी बिल्कुल। क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद इस तरह मेरे 10,800 रुपए चले गए। तो फिर मैंने कहा भाई, मतलब वो उसके बाद भी आपसे ट्रांजेक्शन ऐसी करवाता रहा था, उसके बाद भी करवाता रहा? हाँ, उसने कहा कि आपका जो है 6,000 आपका और 6,000 मेरा, ऐसे मिलकर तब पेमेंट होगा। तो एक बार ट्रांजेक्शन भी वो देख लेते हैं, किस तरह वो की गई थी ट्रांजेक्शन अभी जी के द्वारा, एक बार वो भी देख लेते हैं।
तो अभय जी इसके बाद क्या हुआ जब आपने पेमेंट कर दी 10,800 के करीब, जो कि लग रहा है कि इतनी पेमेंट आप कर चुके हो जो कि प्रूफ में देखा गया है, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा कि मेरा पैसा वापस कर दो, मुझे आपको टीवी नहीं बेचनी है। तो कह रहा है कि ठीक है, मैं तो पैसा वापस करना ही चाहता हूँ, लेकिन जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने कहा कि मैं तुम्हें कोई ओटीपी वगैरह नहीं बताऊंगा। तो कहे भाई ओटीपी आपको बतानी पड़ेगी, तभी आपके खाते में पैसा जाएगा, वो आपको ओटीपी कंफर्म कराएंगे तभी आपके खाते में पैसा जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पैसा रिसीव ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब आपको ओटीपी भेजा गया था या वो कुछ ओटीपी भेजा था उसने, या आपका ओटीपी मांग रहा था वो कार्ड का? देखिए पहले तो ट्रांजेक्शन हो गया, फिर उसने कहा कि मैंने कहा पैसा मेरा लौटा दो, तो उसने कहा कि ठीक है, और फिर ओटीपी उसने भेजा था। हाँ, तो वो कह रहा था कि ओटीपी मैच कराइए, ओटीपी कंफर्म कीजिए, फिर आपका पैसा आ रहा है वहाँ पर। मैंने कहा कि ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। मतलब ये था कि जो अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा बचा होगा, जितना ही बचा होगा वो सारे अकाउंट आपका खाली करने की सोच रहा था उस समय। वही आदमी फिर फोन करता है कि मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ, नोएडा ब्रांच से, और आपका पैसा वापस भेजा जा रहा है, बस ओटीपी आपको कंफर्म करना है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा वो तुम ही हो जो मैं तुम्हारी आवाज़ पहचानता हूँ। मतलब एक वो बंदा है वो बार बार फोन कर रहा है, अलग अलग वो बन के अलग अलग नंबरों से आपको फोन कर रहा है, कभी बैंक वाला बन जा रहा है, कभी आर्मी वाला बन जा रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ आपके? इसके बाद उससे कुछ बातचीत हुई थी कि पैसा मेरा लौटा दो? हाँ, कई बार मैंने बातचीत की उससे, तकरीबन एक हफ्ते ठीक ठाक बात करता रहा। वो एक ऑडियो क्लिप भी है हमारे पास जो बातचीत इनकी हुई थी पैसा देने के बाद, वो ऑडियो क्लिप भी हम सुन लेते हैं। हाँ हेलो, हेलो, हाँ क्या है? हाँ बताओ भाई, कब लौटाओगे मेरा रुपया? भाई मैं कह रहा हूँ ना, आपके लिए पैसा मिल जाएगा आपका, आप टाइम तो दीजिए। अच्छा टाइम दीजिए, कितना टाइम दें? ब्रदर आप मुझे दो दिन का समय और दीजिए। अच्छा तो अभी जी इसमें तो वो कह रहा है कि मैं दे दूंगा पैसे, लेकिन मैं तो दे नहीं है। हाँ वो दिया नहीं है। तो फिर क्या हुआ, एक हफ्ते बाद आप फोन लगता है उसका क्या? नहीं, सारे फोन नंबर उसके बंद हैं। बंद हैं फोन नंबर? तो अब क्या लग रहा है ये आपके साथ, क्या मतलब फ्रॉड हो चुका है एक तरीके से? तो उसका कुछ आपने सोचा कि पुलिस कंप्लेंट कराई जाए, या आप करवा चुके हो अभी तक? हाँ मैंने उसी शाम को जिस समय हुआ उसके एक घंटे के अंदर ही मैंने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर एक कंप्लेंट दर्ज की है। दूसरे दिन मैं अपने बैंक गया, वहाँ अपना ATM कार्ड ब्लॉक करवाया, दूसरा ATM कार्ड लिया, फिर अपने साइबर सेल में गया जिले के, वहाँ पर एक कंप्लेन दी है, और इस तरह से बहुत सारी जगहों पर मैंने कंप्लेन की है। फोन पे पर कंप्लेन किया है, पेटीएम पर, OLX पर, हर जगह मैंने कंप्लेन की। क्योंकि अभय जी ऐसे बहुत केसेस बहुत सालों से देखे जा रहे हैं जो आर्मी के नाम पे फ्रॉड चल रहे हैं, तो हमने बहुत केसेस देखे हैं कि हर रोज़ मेल भरा रहता है OLX फ्रॉड, हर आए दिन ये देखा जा रहा है कि आर्मी का ये फ्रॉड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आप जैसे लोग जिनको नॉलेज थोड़ी कम रहती है, भोले भाले लोग होते हैं, उनको ये फंसा लेते हैं। तो आपके साथ जैसा हुआ है अभय जी, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह इससे बचा जा सकता है, वो भी आप एक बार जनता को मैसेज कर दीजिए। जैसा आपके साथ हुआ है तो आसपास के लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी सामान OLX पर खरीदने या बेचने से पहले आपको सामने वाले से मिल लेना चाहिए एक बार, और आमने सामने ही जो डील होनी चाहिए वो करनी चाहिए। अगर इंडियन आर्मी से कोई कॉल आता है तो क्या उसको ट्रस्ट करना चाहिए अब आने वाले दिनों में लोगों को? नहीं, इस तरीके से अगर किसी का कॉल आता है बेचने के लिए कि कोई भी चीज या खरीदने के लिए, जब तक सारे प्रूफ ना देख लें वो, जब तक यकीन ना करें। हाँ, आमने सामने मुलाकात ना हो जाए
तब तक कोई यकीन नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जिस जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए सावधानी रखिए और लालच में ना फंसिए। और मेरी आप लोगों से यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जैसा मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ भी इस तरह का काम हो और दोषी जो है वो लोग पकड़े जाएं। अभी जी उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू आपका काम हो जाए और आप ये बात आपकी एक हाई लेवल तक जाए और आपका जो फ्रॉड जो आपके साथ हुआ है वो बंदा पकड़ा जाए और लोगों का भी जो पैसा वो खा के बैठा है तो हो सकता है कि वो पैसा भी वापस हो जाए। तो अभी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, उम्मीद करेंगे कि आपका जो पैसा फंसा है वो निकल जाए। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अभय जी, आपने देखा कि इनके साथ भी आर्मी के नाम पर फ्रॉड हो चुका है, 10,800 रुपये का फ्रॉड हो चुका है। ये आए दिन देखने को मिल रहा है कि भोले भाले लोगों को ये फंसा रहे हैं, जाता इनका टारगेट है छोटे शहरों के ऊपर, उनकी सारी डिटेल निकाल लेते हैं और उसके बाद उनको टारगेट करते हैं, कभी वो बेचते हैं सामान तो कभी खरीदते हैं। अब ये नया फंडा एक उन्होंने अपनाया QR कोड भेजने का, अब इनको नॉलेज नहीं थी उस समय तो ये भेजते गए और एक ट्रस्ट इनका था इंडियन आर्मी के ऊपर, तो वो अपने 10,800 रुपये इन्होंने गवा दिए। लेकिन अब इन्होंने कंप्लेंट की है तो उम्मीद करेंगे कि इनका पैसा वापस आ जाए। और हम अपनी तरफ से ये अपील करना चाहेंगे कि आप ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम और यूट्यूबर से भी अपील करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को सीरियसली लेके इस पर वीडियोस बनाएं, जिससे कि ये जो फ्रॉड चल रहा है इंडियन आर्मी के नाम पे बंद हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इंडियन आर्मी का नाम इस तरह ख़राब कर रहे हैं ये लोग। उम्मीद करेंगे कि ये सब अब कुछ दिनों में रुकेगा और इन सब जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है उनका पैसा वापस हो पाएगा और लोग इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। अगर आपके आसपास भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ फ्रॉड से आप गुजर रहे हैं या आपके आसपास के लोग इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप शेयर ऐसे कर सकते हैं, आप हमें ईमेल के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं। अगर आपके प्रूफ पक्के होंगे, आपकी स्टोरी में सच्चाई नज़र आएगी, तो हम आपकी बात जनता तक जरूर पहुंचाएंगे और एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये सब और लोगों के साथ ना हो और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।